तस्वीरें कुछ अलग कहानी बयां करती हैं। आप एक युवती को देख रहे हैं जो कि साड़ी में नज़र आ रही हैं, बैठी हैं, चुपचाप बैठी हैं, गुमसुम बैठी हैं। सामने आपको एक ग्रिल भी नज़र आ रहा है जो कि बंद दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर कुछ भी हरकत होती हुई नज़र नहीं आ रही। आपको बता दें, ये अलग तस्वीर है, बिल्कुल अलग तस्वीर है। आपने धरने पर कई लोगों को बैठे हुए देखा होगा, नेताओं को देखा होगा, दिल्ली से लेकर झारखंड तक हर जगह कई मसलों पर सरकार के खिलाफ हो या फिर प्रशासन के खिलाफ हो, लोग धरने पर बैठते हैं। ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो लड़की आपको नज़र आ रही है, ये एक प्रेमिका है। अपने प्रेमी से नाराज होकर, शादी की बात से जब मुकर गया प्रेमी, तो वो धरने पर बैठ गई और उसके घर पर ही आकर बैठ गई और जिद पर अड़ गई कि जब तक शादी नहीं करेगा वो धरने पर बैठेगी, वो नहीं मानेगी। अब कहें तो क्या कहें, यही कह सकते हैं कि इश्क में बेवफाई ने दिल तोड़ दिया, इसी वजह से प्रेमिका प्रेमी के घर पर धरने पर बैठ गई। 3 दिन हो गए शादी से मुकरा प्रेमी, तो नाराज होकर जिद पर अड़ गई कि जब तक शादी नहीं होगी वो धरना देती रही। जो ये अजीबोगरीब मामला आप देख रहे हैं, बोकारो जिले के पिटरवार थाना क्षेत्र के पिछड़ी दक्षिणी के खेड़ा गाँव की है। और आपको बता दें, प्रेमिका अपने प्रेमी से शादी करने के लिए प्रेमी के घर की चौखट पर धरना देकर बैठ गई है। प्रेमी लालधारी बास्को और उसके परिजन घर में ताला लगाकर फरार हैं। प्रेमिका के प्रेमी के चौखट पर बैठने की बात सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए। युवती ने साफ कहा कि जब तक युवक उससे शादी करने को राजी नहीं होता, वो वहां से नहीं उठेगी। मामले की जानकारी स्थानीय थाना को दे दी गई है। अब सुनिए कि प्रेमिका का क्या कहना है, वो क्या कुछ कह रही है, अपनी बातें वो कह रही है, सुनिए। मेरे पिताजी का नाम स्वर्ग सुरेश कुमार जी है और लड़का का नाम लालधारी है और लड़का पिताजी का नाम स्वर्ग हमलाल नाथी है। और मेरा लालधारी लड़का लालधारी के साथ 2-3 साल से टेंशन था और लड़का मेरे घर गया हुआ था और लड़का मेरे घर से हमको सामाजिक तौर पर मीटिंग बैठा के और इनके मम्मी जैसे माँ, बड़े भाई और गाँव वाले सब पंचायत मिल के और मेरे पंचायत जैसे मेरा गांव की कटान है, मेरे पंचायत और मेरे गांव का यहाँ खड़ा का गांव का दोनों पंचायत मिल के जैसे हमको यहाँ लाया गया और यहाँ 4-5 दिन हमको रखा। उसके बाद मारपीट करने के बाद मेरा तबीयत खराब हुआ तो मेरे घर वाले आए, जैसे मेरे माँ का घर से मेरी माँ आई। उसके बाद मेरी माँ हमको लेके गई और तबीयत ठीक होने पर हम आए यहाँ पर, मुखिया सरपंच को लेके हम यहाँ आए तो लड़का नहीं था। तो लड़का की माँ और भाई से पूछा गया तो बोला कि एग्ज़ाम देने गया है, तो जब लड़का आएगा उसके बाद उनको लाएगा। लेकिन 2-3 महीना होने चला है, ना लड़का का पता है और ना लड़का हमको लाने गया है। और क्या बोलते हैं, अब यहाँ आए तो हमको घर से धक्का दे के निकाल दिया। उसका बड़ा भाई, लड़का का लालधारी का बड़ा भाई और उसकी मम्मी हमको घर से बाहर निकाल दिया धक्का दे के और घर में ताला लगा दिया। और अभी हमको घुसने को नहीं दे रहा। हम सुबह से यहाँ ना खाए ना कुछ किए हैं और हम यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं। मारपीट भी तुम्हारे साथ किया जा रहा है क्या? हाँ जी, हम मेरे साथ मारपीट भी किया गया। कौन मारपीट कर रहा है? लड़का का लालधारी का बड़ा भाई और उनकी मम्मी। और माँ का क्या नाम है उसका, लड़का का माँ का? लड़का का माँ का पुनमुनी देवी नाम है, श्रीमती पुनमुनी देवी नाम है। और लड़का का बड़ा भाई का नाम है बलदेश बास्के और लड़का का तो लालधारी नाम है। ठीक है ठीक है। तो कब से ये है, मतलब प्रेम संबंध कितने साल से है? 2-3 साल से है। यहाँ पर आप रहे भी हैं? यहाँ पर हम यहाँ पर 4 महीना रहे, 13 नवम्बर से हम 7 मार्च को यहाँ से। मेरी माँ आई हुई थी, मेरी तबीयत खराब था तो मेरी माँ गई और सबका सहमति से गए हुए हैं, सबकी का सहमति से गए हुए हैं, सब हाँ भी किए। और जब यहाँ लौट के आए तो हम लोग घुसने नहीं दिया जा रहा था। थाना भी आप गए थे क्या? कौन कौन थाना? हाँ हम थाना गए हुए थे, हम पटवार थाना भी गए थे, वहाँ से भी कोई इंसाफ नहीं मिला। और हम बैरमू मेला थाना भी गए हुए थे, वहाँ से भी कोई इंसाफ हमको नहीं मिला। अभी आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ चाहते हैं, अपना रहने अपना प्रेमी के साथ ही रहना चाहते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ आने के बाद मतलब लड़का जैसे मेरा घर गया और घर जाने के बाद लड़का इनकार कर दिया और हमको 13 नवंबर को लड़का का पूरा फैमिली और लड़का का गांव वाला और मेरा पिपरानाड़ का गांव वाला दोनों मिलके मीटिंग करके पिपरानाड़ का सदस्य हमको खेड़ों का मांझी हमको जिम्मा सौंपा दे दिया, इसका फैमिली को, गार्जियन को फैमिली दे दिया। और यहाँ आने के बाद हमको रखा
चार पाँच महीना, और चार पाँच महीना रहने के बावजूद मेरे साथ प्रताड़ित किया गया। तब हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।